नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री का कौन सा भाग सबसे पवित्र भाग माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब किसी के घर लड़की का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि आपके घर लक्ष्मी आई है। हिंदू धर्म के अनुसार बच्चियों को देवी का स्वरूप माना गया है। लड़की जब बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो उस लड़की को उस घर में लक्ष्मी का आवागमन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाएं करुणा और ममता का जीता जागता स्वरूप है। ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं आती जहां स्त्रियों का अपमान होता है। यह भी माना जाता है कि किसी पुरुष के जीवन में जब किसी महिला का आगमन होता है तो उसके भाग्य का इस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। परिवार को एक धागे में पिरोकर कैसे रखा जाता है, यह एक महिला से अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। आज हम आपको महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के गुणों के साथ साथ कई अंग ऐसे होते हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। हम आपको बता दें कि शास्त्रों में ब्रह्मांड के पैरों को पवित्र माना गया है, वहीं गाय के पिछले भाग को पवित्र समझा जाता है तथा घोड़े और बकरी के अगले भाग को बड़ा पवित्र माना गया है। लेकिन जब स्त्री की बात आती है तो स्त्री को सब जगह से पवित्र बताया गया है। भारत के एक राज्य केरल में स्त्रियों को साक्षात देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पति भी पत्नी को घर की लक्ष्मी मानकर उसकी पूजा करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि हर घर की तरक्की के पीछे एक औरत का बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।